राजस्थान के सीकर में बसे बाबा खाटू श्याम के कपाट 3 महीने के बाद 6 फरवरी को भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। बाबा के दर्शन का समय सुबह 4:30 से रात 10 बजे तक रखा गया है। 3 महीनों बाद खाटू श्याम बाबा के पट तो खुल गए हैं, लेकिन नए नियमों के मुताबिक भक्त अब बाबा के दर्शन सीधे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार श्याम बाबा की मूर्ति के सामने एक पारदर्शी कांच लगा दिया गया है, जिससे भक्त आराम से 16 लाइनों में खड़े होकर दर्शन कर पाएंगे और हर भक्त को इसके लिए लगभग 4 मिनट का समय मिलेगा। अब मंदिर में सीधे प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जा सकेगा, उसके लिए अलग अलग 40 जगहों पर दान पात्र में प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। अगस्त 2022 में खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ मचने के कारण 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके वजह से मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया था और साथ साथ खाटू श्याम जी के दर्शन को सुलभ एवं सुगम बनाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकासी के रास्ते का विस्तार का कार्य होना था, जो कि अब पूरा हो गया है। इंक्वायरी सेंटर को मंदिर चौक के बाहर शिफ्ट किया गया है, ताकि श्रद्धालु बिना भीड़ में घुसे पहले ही जानकारी हासिल कर ले। मंदिर की सुरक्षा में सीसीटीवी के अलावा करीब 1100 पुलिस और आरएसी के जवान ड्यूटी पर हैं। बाबा खाटू श्याम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, और इस तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और देखते रहिए।